तो भाई लोग, कैसे आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डाई एंड्रॉयड प्रोजेक्टर जो हम बनाने वाले हैं एक सेलफोन से, और इसका जो स्क्रीन है हम यूज़ करेंगे हमारा जो प्रोजेक्टर है, होममेड प्रोजेक्टर, उसको बनाने में। तो ये एक पार्ट वाइज सीरीज़ है। जैसे कि मैंने अपना जो पहले एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि मैं जो पार्ट वाइज जो है बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप किस तरह से काम करेंगे, सारा चीज़ जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आज का वीडियो में हम बनाएंगे हमारे प्रोजेक्टर के लिए एलसीडी पैनल, जो होगा हमारा एक एंड्रॉयड फ़ोन जो है सैमसंग का J2, और मेरे पास सैमसंग का J7 भी है, मगर उसका जो डिस्प्ले साइज है वो जो है बड़ा हो जा रहा है। इस वजह से J2 जो है वो सही है, ठीक है। तो आपको कोई भी एक पुराना एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। मैं J2 यूज़ कर रहा हूँ, सैमसंग का J2 पुराना सेट है और ये फ़िलहाल मेरे कुछ यूज़ का नहीं है। और सैमसंग का J2 में जो है एलमोल डिस्प्ले लगता है, जो कि हमारा प्रोजेक्टर के लिए काम में नहीं आएगा। वो एक्चुअली ख़राब हो गया था, तो इसलिए ये फ़ोन जो है मेरे लिए कुछ काम का नहीं था। तो इसका जो कॉम्बो हम कहते हैं, जो किसी भी मोबाइल शॉप में मिल जाएगा, तो आपको इस तरह से जो है कॉम्बो इसका, अगर आपका डिस्प्ले सही भी है तो उसको जो है आप यूज़ नहीं कीजिए। एक्स्ट्रा जो कॉम्बो कहते हैं वो आप ला सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसको हम यूज़ करेंगे हमारे प्रोजेक्टर के लिए। तो इस तरह से कॉम्बो आएगा, ठीक है। और इसको जो है उसके लिए जो है हम एक इस तरह का फ्रेम तैयार करेंगे, जो कि आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने जो है बनाया था। वॉइस ओवर नहीं रहेगा, म्यूज़िक के साथ उसको एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि ये सारा चीज़ बनाने में 1-1.5 घंटा का टाइम लग जाता है। तो इस तरह से जो है मैंने इसका एक फ्रेम बनाया है, और ये जो हमारा कॉम्बो है वो इस तरह से जो है इसमें स्लाइड होके, ठीक है, तो इस तरह से ये स्लाइड होते हुए अंदर फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मैंने इसको सेट किया है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्ले यहाँ सेट हो गया है और ये हमारा जो है डिस्प्ले पैनल बन गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है ये हमारा मोबाइल है, यहाँ पर ये मोबाइल इस तरह से ये फिट हो जाएगा। तो इसमें और थोड़ा बहुत कटिंग का काम बाकी है, तो उसको मैं बाद में करूँगा। सबसे पहले जो है आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ किस तरह से हमारा डिस्प्ले काम करता है और किस तरह से हमको ये बॉक्स बनाना है। और आज का वीडियो जो यही रहेगा, किस तरह से जो है हम एलसीडी पैनल बनाएंगे हमारा जो एंड्रॉयड प्रोजेक्टर रहेगा। तो वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो काम है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आज का वीडियो यही है कि किस तरह से हम एलसीडी पैनल जो है क्रिएट करेंगे एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन का।
दोस्तों एक चीज़ और भी आपको बताता हुआ चलूँ कि जो हम प्रोजेक्टर बनाएंगे, तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जो है एक T6 प्रोजेक्टर का मैग्नीफायर जो लेंस है, इमेज मैग्नीफायर लेंस है, तो उसका भी एक होता है कि कितना बड़ा डिस्प्ले पे वो काम करेगा। तो J7 जो है वो काफ़ी बड़ा साइज हो रहा था, इसलिए J2 यूज़ कर रहा हूँ। आप भी डिस्प्ले का साइज जो है कोशिश कीजिएगा कि जो है डिस्प्ले साइज एक मिनिमम डिस्प्ले साइज हो। मेरे हिसाब से J2 जो है ये ठीक है। और स्क्रीन साइज अगर मैं आपको मेजर करके बताऊं तो यहाँ पर आप स्केल देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगभग 2.5 इंच से भी कम है इसकी चौड़ाई, और लंबाई में देखें तो ये 4 इंच है, ठीक है। तो ये साइज है। और आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें किस तरह से हम LCD पैनल को का जो बाकी वर्क है वो हम करेंगे, सारा चीज़ जो है आपको मैं दिखा दूंगा।